अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रीवा जिले में आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से सामाजिक ताने बाने को तोड़ने एवं वैमनस्यता फैलाने की स्थिति निर्मित की जा सकती है। रीवा शहर संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ अति संवेदनशील है, अतः उक्त कृत्य से शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ साथ मानव जीवन में भय, रोष, घृणा एवं मानसिक क्षोभ का माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि अनेक बार घटना को बढ़ा चढ़ा कर केवल इतने हिस्से का वीडियो वायरल किया जाता है, जिससे घटना के बारे में गलत भ्रांति फैलती है, जबकि कई बार काफी दिनों पूर्व की घटना को इस तरह वायरल किया जाता है कि वह आज या कल की हो। ऐसे वीडियो भी वायरल किए जाते हैं जो अन्य राज्य या अन्य जिलों से संबंधित होते हैं, लेकिन उनका शीर्षक ऐसा होता है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त वीडियो रीवा जिले का ही है। इसे देखने वालों के बीच गलत संदेश जाता है व कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है। इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में किसी भी प्रकार की अपुष्ट पोस्ट को शेयर फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी अपुष्ट घटना की पोस्ट को तत्काल पुलिस अधिकारी को सूचित करें, जिससे उसकी सत्यता की पुष्टि की जाकर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। ग्रुप एडमिन द्वारा अपुष्ट वायरल जानकारी को संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचित न करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।